हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कोफ्ता करी, जिसके लिए हमने हाफ के जी मटन का कीमा लिया है, अनियन को हमने फ्राई कर लिया है, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रोस्टेड बेसन लिया हमने, क्यूमन सीड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, टोमेटो, कोरिएंडर, टर्मरिक पाउडर। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये कीमे को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें चिल्ली पाउडर डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, रोस्टेड बेसन डालेंगे हम 3 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोरिएंडर भी डाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और हम अब मसाला रेडी करेंगे। क्यूमन सीड्स, सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ी सी अनियन हम बचा कर रखेंगे, टोमेटो भी डाल देंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाना है। सारे मसाले एक साथ डाल के हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है, हम यहाँ पर कोफ्ते भी बना लेंगे। हम कोफ्ते बना लेंगे। बिल्कुल इस साइज के, इस तरह से। इस तरह से हम सभी कोफ्ते बना लेंगे। अब हमारे सारे कोफ्ते बन गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसकी हमें ग्रेवी बनानी है, इसलिए हमें ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इसका मसाला फ्राई करेंगे। हमारा पैन गरम हो गया, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून हम फेनुग्रीक डालेंगे। मसाला डाल देंगे। मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 8 to 10 मिनट्स तक हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जितने अच्छे से मसाला भुनेगा उतनी ग्रेवी टेस्टी बनेगी, तो इस बात का ख्याल रखिए कि मसाला हमेशा अच्छी तरह से भुना होना चाहिए। अभी हम इसे और भूनेंगे। ये हमारा मसाला भुन चुका है, रेडी है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। बचा हुआ अनियन डाल देंगे। एक मिनट तक इसे अभी पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। एक मिनट हो गया है, इसमें पानी डालेंगे। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना पानी डाल सकते हैं। पानी इसमें थोड़ा और डालेंगे। क्योंकि पकने के बाद ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेसन है कोफ्तों में, ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और भी इससे, इसलिए हम पानी थोड़ा और डालेंगे। कोरिएंडर डाल देंगे। इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। सॉल्ट डाल देंगे।
से ढक देंगे। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए हमारी कोफ्ता करी रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी कोफ्ता करी बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।